हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ पोर्टेबल चाइनीज पाउच पैकिंग मशीन। इस मशीन में आप हर तरीके का वेट अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक पैक कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इस मशीन में नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, मसाले आइटम, कोई भी आप पाउडर मसाले या फिर खड़े मसाले आप इस मशीन में आसानी से पैक कर सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस मशीन की देने वाला हूँ। और हमारे पास जो मशीन है वो बहुत वैरायटी के मशीन है, अकॉर्डिंग टू आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग भी मशीन भी रेडी हो जाती है। तो आपको मैं ले चलता हूँ कि मशीन हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है, क्या एक्यूरेसी होती है, क्या वेट होती है, इसकी फीचर्स के बारे में मैं आपको अधिक जानकारी देने वाला हूँ। तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आपको मैं ये अंदर की मैकेनिज्म दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, और जो इम्पोर्टेड मशीन होती है उसमें किस तरीके के मोटर और नॉर्मल होती है, क्योंकि हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनें होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है और चाइनीज मशीनें सस्ती इसलिए होती है कि इसकी जो इंटरनल पार्ट्स होती है वो बहुत ही आपका कमजोर होती है। तो आप अगर छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये मशीन लेकर के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो और भी मैं आपके मशीन की जानकारी देने वाला हूँ, तो आप ये मशीन देख सकते हैं। पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ मैनुअल मशीन से। ये है आपका ऑटोमेटिक वेट फिलर मशीन। इस मशीन में आप किसी भी प्रकार का आइटम हो, ग्रेनुअल्स हो या पाउडर्स हो, आप इसमें ऑटोमेटिक वेट करके ये आपको निकाल देता है, वो भी आप इससे मैनुअली वेट कर सकते हैं। इस मशीन में क्वालिटी ये है कि इसकी जो फीचर्स है, ये आपका ऑटोमेटिक पैनल लगा हुआ है, इसकी एक्यूरेसी भी 100% होती है। वैसा नहीं होता है कि आपने अगर 500 ग्राम डाला तो ये 600 ग्राम निकाल करके देता है, ये कभी नहीं होगा। ये 100% एक्यूरेसी के साथ आपको वेट करके ये मशीन देती है। इसके बाद मैं इसकी ऑटोमेटिक वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप पाउडर, मैं एक बात आपको और जानकारी देने वाला चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें अगर आप पाउडर पैक करते हैं तो आपको स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर आप ग्रेनुअल्स पैक करते हैं तो आपको इसमें स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है। तो मैं आपको अगर सही बात बताऊंगा तो यह है कि इसमें आप मोस्टली ग्रेनुअल्स ही पैक करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में इसकी स्पीड जो होती है वो वेट के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का मसाला हो, आटा हो, पाउडर हो, कोई भी, जैसे मान लें फार्मूला पाउडर हो या फिर आपका जो केमिकल्स पाउडर होते हैं, बहुत सारे जो भी पाउडर्स होते हैं वो इसमें आप आसानी से पैक कर सकते हैं। और जो हमारे पास दूसरी मशीन है उस मशीन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये है आपका पाउच पैकिंग मशीन जो है, ये आपका 10 ग्राम से लेकर के हमारे पास 1 kg तक का भी है, 1 ग्राम से लेकर के और 100 ग्राम तक का भी है। तो इस मशीन में आप हर तरीके का ग्रेनुअल्स आइटम, दाल, चावल, चीनी, सूजी, मैदा, बेसन, मसाले, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन वगैरह की भी मशीनें हमारे पास है, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ किस तरीके का आप चिप्स, नमकीन, कुरकुरे भी इसमें पैक कर सकते हैं। तो हर तरीके का वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, और ये मशीन ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसको मैं ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा और चला करके भी दिखाऊंगा। तो आइए मैं मशीन को ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका ग्रेनुअल्स जो चावल में पैक करके दिखा रहा हूँ, ये कितने अच्छे तरीके से वेट करके 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ये ऑटोमेटिक पाउच लरी बना करके सिंगल सिंगल ये दे देता है। उसके बाद हमारे पास पैकिंग मशीन है, देखिए ये पैनल ऊपर का जो आपका डिजिटल कंट्रोल पैनल होता है, उस नीचे में है आपका ये पैकिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सीलर के लिए, उसकी एक पैनल लगी होती है। इसे कोई भी बंदा, सिंगल ऑपरेटेड मशीन है और ये चिप एंड बेस्ट मशीन है, इससे आप किसी भी प्रकार का आप आइटम पैक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगाना है, ये छोटे से कमरे में भी लग जाता है, और ये आप किसी भी कमरे में लगा करके अपना प्रोडक्शन निकाल करके और अपने मार्केट को ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुश बटन भी दिया गया है, इस पुश बटन से आप पैकिंग करके वेट के अकॉर्डिंग यहाँ टेम्परेचर देख सकते हैं, इसमें आपका माल रेडी हो जाता है। माल रेडी होने के बाद आप सीलिंग के लिए इसको आप रेडी कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें सीलर लगा हुआ है, सीलर को भी ऑपरेट करके मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो हमारे पास जो दूसरी मशीन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, ये आपके सामने है न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन। आपको इसी वेरिएंट में आपको न्यूमेटिक सिस्टम के साथ मिल जाता है। इसमें भी आपको 2 हेड लोड सेल पैकिंग मशीन है, इसमें आप 10 ग्राम से लेकर के 1 kg तक न्यूमेटिक
कोई भी सिस्टम जैसे चिप्स, नमकीन, कुरकुरे में हवा भी आप इसमें भर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिलिंग की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है लोगों को, तो आप इस मशीन से उसमें हवा डाल करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। चिप्स और नमकीन दोनों के लिए सबसे बेस्ट मशीन है और 100% एक्यूरेसी के साथ। अभी मैं आपको खजूर पैक करके दिखा रहा हूँ। देखिए जो खजूर होती है वो बड़े बड़े आते हैं, दानेदार आइटम, तो आप आसानी से पैक कर सकते हैं। मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड जो होती है, अगर आप छोटे पाउच निकालते हैं तो 1 मिनट में ये आपको 10 से 12 पाउच दे देता है। अगर आप बड़े पाउच अकॉर्डिंग टू पाउचेस के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो ये आपको थोड़ा स्लो देता है, तो इसमें आपको 6 से 7 पाउच पर मिनट निकल जाता है। तो घंटे की मैं बात करूं तो इसमें 1200 से 1600 पाउच आप आसानी से ऑटोमेटिक पैक करके निकाल सकते हैं। इसमें लड़ी बनाने की भी सुविधा दी गई है। हमारे पास इसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, न्यूमेटिक 4 हेड लोड सेल पैकिंग मशीन, जो आपका 4 हेड, अगर आपको और भी स्पीड चाहिए तो ये मशीन आप इस मशीन को लेकर के यूज कर सकते हैं। इसमें आपको अगर डेट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रिंट करना है तो भी इस मशीन में आप ऑटोमेटिक प्रिंट कर सकते हैं। डेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह आप इस मशीन से खुद डाल सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत है। इस मशीन से आप ऑटोमेटिक लड़ी बना सकते हैं और इसकी हाई स्पीड क्वालिटी जो इसकी होती है सीलिंग की और लीकेज की, ये पूरी फुल गारंटी के साथ आपको ये मिलता है। तो इस तरीके का अगर आपको मशीन चाहिए तो हमें दिए हुए स्क्रीन नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके हमें ये मशीन बुक करवा सकते हैं और आप असेंबलिंग करवा सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और दिए हुए स्क्रीन नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके इस मशीन को बुक करें। तब तक हमें चैनल बने रहे, धन्यवाद।